ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी, मैं मांगू दुआ जो। एक बीवी बनके तो मैं कुछ नहीं कर सकी हारू, लेकिन एक माँ बनकर मैं उस शख्स का गिरेबान पकड़ना चाहती हूँ जिसने मेरे बच्चे का सौदा किया। मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगी। तेरी असलियत बताऊंगा, उसे बताऊंगा कि तला को किडनैप करने का प्लान तेरा था, हम लोगों ने तो सिर्फ तेरी मदद की थी। आपके शोहर मुराद के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है और सच वारंट भी है, प्लीज आप हमारे साथ तावुन कीजिए। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी, मैं मांगू दुआ जो। बीवी घर की तलाशी लो। तुम्हें किसने हक दिया है कि मेरे घर के दरवाजे पे सना पुलिस लेकर आओ तुम? मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले मैं यहाँ पर एक भाई की हैसियत से आया था। लेकिन अब जो वादा मैंने मानूर से किया है उसे तो मैं पूरा करूंगा। मैडम इस कमरे में देखिए आप, यहां हो सकता है। कमरा खाली है सर, घर में कोई भी नहीं है। कहाँ जाएगा वो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। प्लीज ये रेस्टोरेंट में दे दीजिए, प्लीज चलिए। जाएंगे हम? भाई तो छोड़कर चला गया हमें। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे घर से निकलो अभी और इसी वक्त। खुदा का वास्ता देखो ऐसे मत करो, अंधेरा हो गया, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आप जहन्नुम में जाओ, लेकिन मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकलो, इससे पहले मैं धक्के मार के निकालूं। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अब तुम्हारे घर तुम्हारी मुलाजमा बन के रह लेंगे, तुम और तुम्हारे बच्चे की खिदमत करेंगे। मुझे मेरी बच्ची को कहीं ना भेजो, वो तो हमारे सर से आसमान और पैरों से जमीन निकाल के चला गया। अल्लाह के वास्ते देखो मेरे हाथ। जब आपके बेटे ने आप पर तरस खाया तो मैं क्यों खाऊं? दो दिन का वक्त दे रही हूँ आप लोगों को, अपना सामान पैक करें, कोई ठिकाना लगाएं और निकलें यहाँ से। कैसे नहीं करो, अरे वो तो मैं यारों मददगार करके चला गया। तुम ना करो हमारे साथ ऐसा। अब क्या फायदा रोने का, जब हम सब तुम्हें आईना दिखा रहे थे तब तो तुम भाई के सर पर चढ़कर नाच रही थी। अब पता चला कौन सच्चा है कौन झूठा? चुप कर जाइए, कौन सा वक्त है सच्चा झूठ बता रही। अल्लाह गारत करे मुराद तुझे, अल्लाह तुझे पूछे तो अपने बाप बहन को किसके सारे छोड़ के चला गया। शुक्रिया रियाज, रात को तू ना बचाता ना जरा सी चुप हो जाती, मैं तो कंफर्म अंदर था। तुझे किसने कहा था कि एक जगह ठिकाना बनाए रख, ठंडा पानी पी और रिलैक्स होगा। तो मुझे क्या पता था मेरे पास और कोई ठिकाना था, अगर मालूम होता तू इतनी मदद करेगा सीधा यही आता। हम यारों के यार हैं जानी, मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ दे। ये तो तूने सही कहा, मुश्किल वक्त में काम आया था। मुश्किल तो अब भी हो सकती है तुझे, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो। बोल क्या करना है? सबसे पहले मोबाइल बंद कर ताकि तुझे कोई ट्रेस ना कर सके। गुड,
दुबई पहुंचने से पहले तक किसी से कोई रابता नहीं रखेगा, और कोई चीज चाहिए हो तो बिला झिझक बोल। कुछ नहीं चाहिए और। मैं चलता हूँ, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। बेफिक्र होकर यहाँ रहे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सॉरी मानूर, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा, लेकिन आज भी मेरे हाथ में आते आते रह गए। सालम की रस्सी ज्यादा देर तक दराज नहीं रहती, तुम कोशिश करते रहो, एक दिन पकड़ा जाएगा वो। से हारूं बेटा, वो था कहां? अनम की तरफ। क्या अनम ने उसे पनाह दी थी? ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ और उसकी बहन को भी। अगर ऐसे कैसे हो सकता है? अनम ने उसे पनाह दी तो बहुत समझदार लड़की है। मुराद अपनी बातों का खाता है, इतने बड़े बड़े लोगों को उसने बेवकूफ बना दिया तो ये तो बेचारी फिर एक बेजरर किस्म की लड़की है। कह तो तुम ठीक रहे हो, वो बहुत तेज है, किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। बेटा खाना तो खा के जाओ। घर जाकर खा लूंगा। जाएं दे अम्मी, ताई जान भी परेशान होंगे। पूछ न कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई, ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो, जो हो गया वो क्यों होगा। लेकिन हम यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ? अरे तेरे भाई ने हमें कहीं जाने जैसा छोड़ा हो तो कहीं जाए ना, भाग के अगर पुराने महल्ले भी जाते हैं तो कर्जदार बोटियां नोच लेंगे बोटियां, और अगर उनको पता चल गया कि मुराद भाग गया तो पीस के रख देंगे चटनी की तरह सिलबट्टे पे पीस के। माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अनम महानूर के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, दो ही दिन में निकाल कर बाहर करेगी हम दोनों को। डर तो मेरे को भी बहुत लग रहा है, अल्लाह का आसरा है, अल्लाह तेरा ही आसरा है। शुक्र है इतने दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से अल्लाह का नाम सुनने को तो मिला। चल तफा, इतनी मुश्किल देखी कब, मुश्किल में ही तो अल्लाह याद आता, मैं तो हर घड़ी अल्लाह को याद करती रहती, मुझे क्या पता था मेरा अपना बेटा यासीन का सांप निकलेगा कमबख्ती मारा नाम मुराद। दूसरों के साथ बुरा सलूक करने पर अगर मुराद भाई की कान खींच के दो थप्पड़ लगाए होते ना तो अपनों के साथ ये करके नहीं जाता, पीठ दिखा के नहीं जाता वो। क्या कपकत मारी, मुझे ही सुनाई जा रही, मुझे ही सुनाई चली जा रही है। मैं तो बेग देखते ही समझ गई थी कि मुलक से भाग रहा है, दौड़ रहा है यहाँ से। अरे मुराद तो ना मुराद निकला, अरे दूसरों को धोखा देने वाला माँ को धोखा दे गया कपकती मारा, ये भी ना सोचा कि माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। अल्लाह, आंसू भी खुशक करके चला गया।
दुश्वार जिंदगी का तुम ही रोशन सितारा हो। तुम हो तो मैं हूं, तुम तो मेरे पास हो, लेकिन तुम्हारा जुड़वा भाई। माँ से रूठ कर सर्दी हो या गर्मी, बाहर ही सोया रहता है। जान से मार दूंगा मैं। मेरा बच्चा मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम केस करोगी मुझ पे? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? हाँ, मुझ पे केस करोगी? तुम्हें लगता है तुम मुराद को कुछ बिगाड़ सकती हो? मुराद मैं एफआईआर वापस ले लूंगी, केस भी नहीं करूंगी, प्लीज मेरा बच्चा मुझे। तुमने और तुम्हारे कजिन ने जो किया है ना, ऐसा ना उसके बदले में इसको भी बाहर सुलाना पड़े। सिर्फ इसको पटाखने की देर है। मुराद, मैं तुम पे केस नहीं करूंगी, मैं भैया वापस ले लूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरा बच्चा दे दो मुझे। केस करेगी मुझ पे? हाँ, मुराद मैं नहीं करूंगी केस, अल्लाह की कसम नहीं करूंगी, मेरा बच्चा वापस ले दो। सोच लो, अगर तुम मुकर गई ना, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ ना, पूरी फिल्म दिखाऊंगा इसकी जान लेकर। पकड़ो उसे। और अगर तुमने केस वापस ना लिया या इसके बारे में किसी को बताया, जान से मार दूंगा इसको। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इतना अच्छा मशवरा दिया। अम्मी अब्बू को भी बहुत पसंद आया और पैसे देने को तैयार हो गए कारोबार के लिए। बस जल्दी से काम शुरू करना है। इंशाल्लाह सब सही होगा। जिस काम में माँ बाप की रजामंदी होती है ना, उसमें कभी नुकसान नहीं होता। देखो, छोटा मोटा जैसा भी है तो शुरू कर लेते हैं ना, घर से ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब रब राजी सब राजी, तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फिर मैं जाता हूँ, छोटी मोटी चीजें जो जमा करनी है वो लेता हूँ और काम शुरू करते हैं। तुम मम्मी अब्बू का ख्याल रखना। कोई कहने की बात है ये? जाओ। ऑफिस जा रही हूँ मैं। अब नाश्ता तो कर लेती, मैं बना देती, ऑफिस से कुछ खा लूंगी। अच्छा वो अब एक बात करनी थी, वो जाते हुए ना बाहर से ताला लगा देना, दिल को तसल्ली रहेगी जरा। वो पुलिस ना छापा मार देना दोबारा, बड़ा दिल घबरा रहा है इस बात को सोच के। पुलिस जिसके लिए यहाँ आई थी, जब वो ही दोबारा नहीं आएगा तो पुलिस क्यों आएगी? हाँ ये भी बात। अच्छा वो खाने के लिए बता दो, तो मैं पका लूंगी, आओगी तो खाना पक्का पकाया मिलेगा। आपका बेटा कुछ छोड़ कर गया है? जो घर में रखा है बना ले। हाँ वो अच्छा वो छोटू कब आएगा? 2 बजे आएगा वो, आप उसे खाना खिला दीजिए। हाँ हाँ वो मैं बताती हूँ, आखिर को बच्चे को अपने अच्छे से खिला दूंगी मैं, बस वो अच्छा रहने। नहीं कोई नहीं आएगा।
मनहूस मारी, तो आज तक किसी से नहीं दबी, मैं क्यों दब रही हूँ बिला वजह में? बेटे का घर है मेरा। राजा जी एयरपोर्ट ले चलो। भैया रुक क्यों रहे हो? साइड में लगाओ, साइड में लगाओ गाड़ी। कौन आया? चलो निकालो से, निकालो बाहर, निकालो से बाहर। इतनी जल्दी में क्या है तुझे भागने की? पहले हमारी जल्दी में शौकपुर या अब भी कोई हसरत बाकी? जिंदगी में एक ही गलती की मैंने, हर तुम्हें जिंदा रहने दिया। गलती तुमने नहीं की बल्कि मैंने अपने आप से वादा किया कि तुम्हें अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सजा देने आने में कामयाब हो जाओगे? भूल है तुम्हारी। सजा? मैं भोले हो गया। सजा बहुत छोटा लफ्ज है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो मैं इबरतनाक मौत दिलवाऊंगा। हाँ ठीक, पर एक बात याद रखना, जिस दिन मैं यहां से निकला ना, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। ठीक है, मुझे तो लगता कि तुम अब कभी यहां से निकल पाओगे। बहुत लंबे अरसे के लिए जा रहे हो, अच्छा है थोड़ा फ्रॉड वगैरह छोड़कर कुछ हुनर भी सीख लोगे। अब बहुत हो गया, मिलना जुलना रहेगा। चलता हूं।
ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल जरूर। देखिए फॉर्मेलिटीज तो हमने सारी पूरी कर ली है, और आपकी कजन का केस खासा स्ट्रॉन्ग है, और अब मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा, लंबे ही अंदर जाएगा इंशाल्लाह। आप तो जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, इस शख्स पे पहले भी कितने पर्चे हैं। दो पर्चे तो सिर्फ किडनैपिंग के हैं, और न जाने कितने लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है इस शहर में। ऐसे लोग तो वैसे भी नासूर हैं हमारे माशरे के लिए। ठीक कह रहे हैं आप, बुरा इंसान जितनी जल्दी मिट जाए तो इतना अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस में हमारे साथ ताबून किया, वरना ये तो अब तक दुबई में मौजे कर रहा होता। शुक्रिया आपका इंस्पेक्टर साहब कि आपने वक्त पर कार्रवाई की। ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह जो भी होता है मैं आप ला। ये बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ, पहले तुम्हारा खून कर दो। यही है तुम्हारी असलियत जो तुमने अरसे तक मुझसे छुपा के रखी, यही हो तुम। मुराद, मुराद को सजा मिले या ना मिले, मुझे अपनी FIR वापस लेनी है। जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई। अल्लाह, तो अब आए की सजा में जान पड़ गई। आए मेरे अल्लाह, अरे जिंदगी में कभी नहीं किया। आए मार के, आए। अरे मां क्या हुआ, तुम ठीक हो? अरे क्या ठीक है, तो मैं उठा देती हूं, मैं उठा देती हूं। अच्छा तू बस तुम कुछ ना कर, तू मेरी चादर लेके आ बस। चादर क्यों? अरे मलका के पास चलते, वो इस मुसीबत से निकालेगी। अल्लाह जी क्या सोचेगी। अच्छा तुम रो मत, हम मलका के पास चलते, वो हमें संभाल लेगी। मैं ही उठाती हूँ। अरे पहले ये तो संभाल ले। तो सही रही हो, हम मलका के पास ही चलते हैं। जल्दी से लेके आ, छोड़ दे इसको। पैर पीछे करो, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। अरे जल्दी कर ले, देख। अरे किस मुसीबत में फंसे हो? अल्लाह करे मुराद को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और अगर तुमने केस वापस कर लिया या इसके बारे में किसी को बताया, जिस तरह ये लोग भाग दौड़ कर रहे हैं ना, मुराद जरूर पकड़ा जाएगा। मुराद को सजा मिले या ना मिले, मुझे अपनी FIR वापस लेनी है। क्या महनूर, क्या बात है, क्या हुआ है? मां मुझे कोई केस नहीं करना। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मुझे मेरा मनान सही सलामत मिल गया ना, जीता जागता जिंदा। तुम मुझे कोई केस नहीं करना। सच सच बताओ, क्या मुराद ने तुमसे कुछ कहा है? अभी क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? हाँ ना, ये सही कह रही है। अगर तुम केस वापस ले लोगी तो मुराद को सजा कैसे मिलेगी? तुम नहीं चाहती उसे सजा मिले? उसको सजा मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अम्मा बस मुझे केस नहीं करना। आप ही एक अरसे से उस शख्स ने आपकी जिंदगी अजाब की हुई थी, अब वो कानून की गिरफ्त में आ गया है, तो आप पीछे हट रही हैं? हाँ मैं हट जाऊंगी पीछे, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इंसाफ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपना फैसला बदलूं, मुझे केस नहीं करना। महनूर, पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा? अम्मा आप तो परेशान ना, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। संभाले खुद को। इतनी सफाई से सब काम किया मैंने, इतनी रास्तदारी से फिर भी पकड़ा गया। जरूर किसी ने मेरी मकबरी की है, लेकिन किसने?
मैंने मैंने किया है मुख्तर मैंने हारून को बताया था कि तुम नकली नाम और पासपोर्ट के साथ मुल्क से भाग रहे हो तुम्हारे नकली नाम के साथ तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है इंसान सारी जिंदगी दूसरों को डस रहा हूं उसकी मुझसे बातें पता है कैसी लगती है अंदर इंस्पेक्टर से तुम्हारे जुराइम की दास्तान सुनकर आ रही हूं मैं यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अरसा तुम जैसे करप्ट इंसान के साथ गुजारा है मैंने वो फंसा रहा है मेरी बात सुनो ना मेरी बात सुनो मेरी बात ये सब उसका प्लान है उसने मुझे इस उल्टे सीधे केस में फंसा ली मैं सच कह रहा हूं अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो उस दिन बालकनी से क्यों भागे थे तुम अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर में क्यों छुपे बैठे थे दुबई क्यों भाग रहे थे सच्चे थे ना सबका सामना करते हारून और मानूर ने ना उन्हें मिलकर मेरे लिए जाल बुना है मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ बच्चे कल का ये रास्ता था मैं कुछ अरसे के लिए सिर्फ कहीं जाकर छुप जाऊं इसलिए मैं दुबई जाने का इंतजाम कर रहा था मैं तुम्हें बताने ही वाला था याद करो उस दिन तुम्हारे घर में हम इसी वाले से बात कर रहे थे ना जब हारून ने पुलिस बुला ली थी याद है ना तुम मैडम कितना झूठ बोलोगे मुराद तुम थकते नहीं हो ये चाले चल चल कर अगर मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूं तुम बस किसी तरह प्लीज जल्दी से मेरी बस किसी तरह मेरी जल्दी से जमानत करवा दो फिर देखो मैं अपने ऊपर लगे सारे इल्जामात को झूठ साबित कर दूंगा अभी कुछ देर पहले तो मैं आस्तीन का सांप थी अभी उसी आस्तीन के सांप से मदद मांग रहे हो तुम कितने शातिर खिलाड़ी हो तुम मुराद तुम मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ अनम सच कह रहा हूँ मैं हारून ने तुम्हारे ना ब्रेन वॉशिंग कर दी है यार वो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकालना चाहता है मैंने उसकी टेप भी सुनाई थी तुम्हें याद है याद करो ना यार मैंने तुम्हें टेप भी सुनाई थी फिर तुम उसका यकीन कर रही हो और मुझ पे यकीन नहीं कर रही क्यों क्यों मुझे हारून ने ब्रेन वॉश किया या तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई हो मैं सब जान चुकी हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि तला की किडनैपिंग में तुम मुलव्वस थे मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की बातें सुन ली थी इंसान के लाने की भलाई क्यों मरा दिल तो चाह रहा है कि कानून से मिलने वाली सजा का भी इंतजार ना करूं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं मैं इतना अरसा तुमने मुझे और मेरे बेटे को अजियत में रखा तुम तो इंसान के लाने के भी लायक नहीं बहुत अरसा मैंने तुम्हारी झूठी सच्ची दास्तान पे यकीन किया बेजाज़ी खुदा समझा था मैंने तुम्हें क्योंकि यकीन था बुरे से बुरा इंसान जमाने को धोखा देगा लेकिन अपनी फैमिली अपनी बीवी अपने बच्चे इनको कभी धोखा नहीं देगा लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो मेरी मर्दों के बारे में सोच ही बदल गई तुम पता है क्या हो तुम वो जानवर हो जो मौका मिलने पर अपने बच्चे को भी खा जाए ट्रेन से मिली थी मैं
उसकी बीवी ने मुझे पूरी दास्तान सुनाई है कि कैसे तुमने 50 लाख के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है क्या? क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और क्या निकला? काम करो ना मेहर, ये बकवास बंद करो, यहां से दफा हो जाओ, से पहले तुम्हारा खून कर दो। यही है तुम्हारी असलियत जो तुमने अरसे तक मुझसे छुपा के रखी, यही हो तुम। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले तुम्हारा खून कर दो। हैवान देखा करे तुमने अभी, यहां से निकल के एक एक को जान से मार दूंगा मैं। अच्छा तुम बात सुनो, मैं सच कह रहा हूं, ना मैंने कुछ नहीं किया। रातों रात तुम्हारा फैसला बदल गया, इसकी कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? वो मानूर जो कल तक मुराद को सजा दिलवाना चाह रही थी, आज केस वापस लेने की बात कर रही है। बताओ मानू, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अरुण, क्या होना है? उसने डराया तुम्हें क्या? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम मानू। प्लीज बताओ मुझे। कोई बात नहीं है हारून, मैं बस किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मानूर, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये केस वापस लेने से मुराद चुप होकर बैठ जाएगा, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी। उसे जब जब मौका मिलेगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया और तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं अपना फैसला बदलूं। कोई फैसला नहीं मानूंगा अब मैं तुम्हारा। अब जो फैसला करूंगा मैं करूंगा। जिस जिस अजियत से उस शख्स ने गुजारा है ना तुम्हें, उसका हिसाब देना होगा उसे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुमने ऐसा कुछ किया ना, मेरे बच्चे को मार देगा वो। वो मेरे बच्चे को मार देगा। प्लीज मुझे ये केस वापस लेने दो, मुझे ये केस वापस लेने दे। अम्मी मैं उसके साथ रही हूं, मैं जानती हूं वो कैसा घटिया इंसान है। तुमको पता है वो कल रात यहाँ आया था और मुझे धमकी देके गया है कि अगर मैंने ये केस वापस नहीं लिया तो मेरे बच्चे को मार देगा, खुदा का वास्ते। अम्मा वो यहाँ आया था, ये बात तुमने हमें नहीं बताई? इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताई? चाची जान संभालिए उसे। सब बैठो, संभालो अपने आप को। कल रात आया था, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मानूर प्लीज, प्लीज रोना बंद करो मानूर। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे।
मानूर अब वो पुलिस की कस्टडी में है, वो कुछ नहीं कर सकता। सारी जिंदगी तुमने आवाज नहीं उठाई, खुदा के लिए अब अपने बच्चे के लिए तो आवाज उठाओ। इतनी कमजोर औरत हो, एक शख्स तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारने की बात कर गया और तुमने उसका मुंह तक नहीं तोड़ा। तुम्हारी इसी बुजदली की वजह से चाचा जान की जान चली गई। अब्बा, ये नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। घर में बैठे हुए मैं वैसे भी बोर हो जाती थी, तो ये नौकरी मैंने खुद ढूंढी है। अम्मा ने या मुराद ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की मुझ पे। सुन लिया, हो गई तसल्ली? अभी कोई शक है तो ले जाना। अरे अगर अपना एहसास नहीं तो कम से कम ये बच्चे का, महर का, अपनी मां का तो एहसास करो। क्या हालत हो गई है तुम्हारी मां की? मानूर, वो शख्स जेल के अंदर है। आज जब उस शख्स को सजा होने लगी तो तुम केस वापस लेना चाहती हो ताकि वो दोबारा से शहर में दंदनाता हुआ फिर। नहीं मानो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें केस वापस नहीं लेने दूंगा। तुम्हें अब हिम्मत करना होगी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। ठीक है, मैं हिम्मत करूंगी और केस वापस नहीं लूंगी। अब खत्म हो गए आंख से आंसू, इतना भर भर रोए हैं। कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसे आपको अपने घर में रख लूं? पहले तो आपका बेटा आके 3 लाख रुपए लेकर चला गया, अब आप नई फरमाइश लेकर आ गई। भाई मैं मलका को भी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं सह सकती। देखिए बहन, मजबूरी हमें अपनी बेटी के दर पे ले आई, वरना मैं कभी यकीन करें पैर भी ना रखती यहाँ। हमारे पैर उतरे तो जमीन और सर से आसमान। मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा कि हर कोई मुंह उठाकर चलाए। आपको मलका ने बताया नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है। जिंदगी मुझको किस राह पे लाई।